झारखंड में एक महिला का गैंगरेप हुआ। पलामू के विश्रामपुर इलाके में ये गैंगरेप हुआ है। ये दूसरा केस झारखंड में सामने आया है। आपको बता दें, एक और महिला से गैंगरेप की खबर है। पलामू के विश्रामपुर इलाके में ये रेप हुआ। 21 साल की बताई जा रही है युवती, जिसका रेप हुआ है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है गैंगरेप पीड़िता। छत्तीसगढ़ से परफॉर्मेंस देने के लिए ये पीड़िता आई थी। महिला के सहकर्मियों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। 2 मार्च की बताई जा रही है घटना। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। झारखंड से गैंगरेप का दूसरा केस सामने आया है। पलामू के विश्रामपुर इलाके में ये रेप हुआ है। 21 साल की बताई जा रही है पीड़ित महिला। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। झारखंड आई थी किसी परफॉर्मेंस देने के लिए। महिला के सहकर्मियों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है और ये घटना 2 मार्च की बताई जा रही है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस इन तीनों की तलाश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हरिवंश हमारे साथ जुट चुके हैं। हरिवंश, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अब ये गैंगरेप का दूसरा केस झारखंड से ही। हरिवंश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। ये पलामू के विश्रामपुर में शनिवार की रात जो है एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। छत्तीसगढ़ से ये टीम आई हुई थी और ऑर्केस्ट्रा खत्म होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा जो है गैंगरेप की घटना सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि जो संचालक थे उनकी मिली भगत से ये घटना को अंजाम दिया गया है। कल इसका उद्भेदन हुआ है और पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार की है। 4 लोगों की अभी भी तलाश जारी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर ये घटना शनिवार को घटी है और फिर सोमवार को कैसे ये सामने आई है। तो ये पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।